अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ज़ाइना को मैंने स्कूल भेज दिया है, अभी मिर्हा को छोड़ने जा रही हूँ तो हुरब भी रेडी हो गई है, तो मेरे साथ साथ रहिएगा। आज की क्या रूटीन है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। दादू ने दिए आप जी? बाइक को दे जाए जल्दी करो, लेट हो चुके हैं हम लोग। क्या लेना मेरी बेटी ने? अच्छा भी लेते हैं चीज। हाँ कम बाहर करो, बाहर करो। अब मैं आ चुकी हूँ बेकरी पर, मुझे फीडर के लिए निपल्स ख़रीदनी थी और हुरब को भी चीज़ें लेके देनी थी। वो बहुत शोर मचा रही थी, मामा मुझे चीज़ लेके दो। पीछे जो एक शॉप गुजरी उससे मैंने उसे नहीं लेके दी, तो अब मैं ढूंढ रही हूँ यहाँ पे बिस्किट। बिस्किट मेरे फेवरेट हैं, पार्टी बिस्किट, पर्पल रैपिंग में आते हैं और वो मुझे यहाँ पर दिख नहीं रहे, तो मैंने उठा लिए दूसरे कोकोनट वाले। तो वो भी उनका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यमी है। एक तो बेकरी वालों ने अपनी सेटिंग सारी चेंज की हैं, सेक्शन अलग अलग कर दिए हैं। बिस्किट वैसे भी पहले भी सेपरेट होते हैं, इन्होंने जगह चेंज की है ना, तो मुझे समझ नहीं थी आ रही कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी हुई है। मैं पूछ पूछ के ले रही थी और हुरब को चाहिए थे लेज, और पहले तो मैं लेज ढूंढ रही थी, फिर मैं बिस्किट वाली साइड पर आ गई। यहाँ पर मैं मिर्हा को मिस कर रही थी। मिर्हा को तो मैं स्कूल छोड़ चुकी हूँ क्योंकि वो जब होती है ना मेरे साथ, वो तो पूरी बेकरी में घूम के सारी चीज़ें ले लेती है। ये मामा ये लेना, मैंने वो लेना, यहाँ से ये मिलेगा उससे, तो एक मिनट में पता चल जाता है पूरे बाग के बेकरी में सब कुछ ले लेती है चीज़ें। साइना भी ऐसे ही करती है, फ़ौरन फ़ौरन चीज़ें उठा लेती है। और हुरब भी छोटी आई थिंक इसीलिए इसको मैंने उठाया हुआ, और अब ये सोच रही है, मैंने इसे नीचे उतारा, मैंने कहा खुद ले लो। अब ये सोच रही है कि मैं कौन सी चीज़ हूँ, और इतनी मासूम सी है ये, बस एक ही चीज़ उठाएगी यहाँ से और ले लेगी, ये बोलेगी मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी। और बाकी चीज़ें भी मैंने ले ली थी, और ये देखें जी बाहर भाग रही है। बिलिंग वगैरह यहाँ पे होनी थी हमारी, फिर मैंने इसे वापस बुलाया और हमने बिलिंग वगैरह की और फिर घर की तरफ निकल गए। काम काज में टाइम गुजर जाता पता भी नहीं चलता। अब मिर्हा की छुट्टी का टाइम हो गया, तो हम लोग लेने जा रहे हैं मिर्हा को लेने के लिए, और ये मैडम भी तैयार हो गई। चलो डेयरी मिल्क चॉकलेट। ज़ाइना मिर्हा जो है स्कूल से आ चुकी है ना, खाना वगैरह मैंने खिला दिया है, जो सफाई फर्श धोना रह गया था वो भी मैंने कर ली है, और अभी मैं फ्री हुई हूँ, हुरब को लेके छत पे गई हूँ, बच्चों को ट्यूशन भेजा है। तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, खाना खिलाना, उनके कपड़े चेंज करना, उन्हें लंच देना, और फिर ये इनके खाने पीने का, वॉशरूम जाने का, यहाँ तक छोटे बच्चों का, तो ये काफ़ी ड्यूटी है, काफ़ी टफ। हमारे माँ बाप ने भी ऐसे ही किया, हमारे दो दो तीन तीन बच्चे थे और हम लोग इस तरह थक जाते हैं और तपे हुए होते हैं, हमारे बच्चे हमसे बात करें तो हम ऐसे से गुस्से से भी ट्रीट कर देते हैं। हमारे माँ बाप में तो छः छः सात सात आठ आठ बच्चे पाले में हैं, और वो फिर भी पोलाइट थे हमारे साथ, हमारी मदर हमारे साथ पोलाइट भी हैं काफ़ी। माँ बाप को काफ़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है औलाद के लिए।
सुरेन जी, ये स्ट्रगल तो जारी रहेगी और ये जो मैंने स्ट्रगल शुरू की हुई है ब्लॉगिंग की, आप मेरा साथ दें, मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे वॉच करें, मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाए तो मेरे चैनल पर जो नए आए हैं उन सबको मैं वेलकम करती हूँ। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको सेहतमंद रखे, खुश रखें, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। और मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक करते जाएं, सब्सक्राइब करते जाएं, शेयर करें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।